झारखंड में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 9 लोग डूबे, 8 लापता, एक तैरकर बाहर निकला। झारखंड के कोडरमा जिले के पंचखेरो डैम में नाव पलटने से 9 लोग डूब गए, जिसमें एक व्यक्ति तैरकर बाहर निकल आया। वहीं 8 लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। डूबने वालों में 5 बच्चे, 2 महिलाएं और एक पुरुष है। ये सभी गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के खेंतो गाँव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार धनवार थाना क्षेत्र के धनवार प्रखंड में गोरहंद और कोडरमा के मरकच्चू के बॉर्डर पर स्थित पंचखेरो डैम में छोटी नाव पर 10 लोग सवार होकर सैर कर रहे थे। इसी दौरान नाव पलट गई। इसमें नाव पर सवार 8 लोग डैम में डूब गए, जबकि एक व्यक्ति डैम से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। मौके पर प्रशासन की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। सभी डूबने वाले धनवार थाना के खेंतो गाँव के रहने वाले हैं। लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ से भी संपर्क किया गया है। हजारीबाग से एक टीम मौके के लिए रवाना हो गई। नाव पलटने के बाद प्रदीप सिंह बाहर निकल गए, जबकि सीताराम यादव 40 वर्षीय, सेजल कुमारी 16 वर्षीय, हर्षल कुमार 8 वर्षीय, बउआ 5 वर्षीय, शिवम सिंह 17 वर्षीय, पलक कुमारी 14 वर्षीय, राहुल कुमार 16 वर्षीय, अमित कुमार सिंह 14 वर्षीय लापता बताए जा रहे हैं। नाविक का भी कुछ अतापता नहीं चल सका है। मौके पर मरकच्चो प्रखंड के सीओ राम सुमन प्रसाद, थाना प्रभारी सुमित साव और नावलशाही थाना प्रभारी पंचम तिग्गा, धनवार थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार और बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। झारखंड से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेडिकल स्टोर और चिकित्सा सेवा में करियर की तलाश कर रहे हैं तो आज ही नामांकन लें पीताम्बरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। यहां आप डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही कायानंद तिवारी नर्सिंग कॉलेज में जेएनएम और एएनएम कोर्सेज के लिए भी नामांकन प्रारंभ है। तो अपने सपनों को दें नई उड़ान, जल्दी करें, सीट लिमिट है। हमारा पता डुमड्डा का बूटी राजी।